होंठ सूख रहे हैं, क्रैक पड़ रहा है, ब्लीडिंग हो रही, क्या किया जाए, क्या बचाव का तरीका होता है, ड्राई लिप का क्या इलाज हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। जो होंठ है उसके साथ दो प्रॉब्लम है बाकी शरीर से, इसलिए इतनी आसानी से सूख जाता है, इसमें क्रैक पड़ जाते हैं, राइट, स्केलिंग होने लगती है। एक तो इसके अंदर ना तो ऑयल की ग्लैंड्स होती है जो कि ऑयल का सिक्रीशन करती है जैसे कि शरीर के बाकी स्किन पे होता है, और ना ही स्वेट ग्लैंड होती है जो कि पसीना देती है। एक और रीज़न ये है कि जिसकी जो लिप की ऊपर की स्किन होती है जिसको हम लोग स्ट्रेटम कार्नियम बोलते हैं मेडिकल भाषा में, वो बहुत पतली होती है। इन दो वजहों से लिप का फटना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली ठंड के मौसम में। इसका जो सबसे बड़ा कारण है होंठ फटने का, एक तो है शरीर में पानी की कमी हो जाना, दूसरा जिनको थोड़ा बहुत होंठ फटने की प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो होंठों पे सलाइवा लगाते हैं और उसको चबाते चूसते रहते हैं, ये एक दूसरा कारण है। इसके अलावा मुंह से सांस लेना, मुंह से सांस लेने से भी एयर बार बार लिप पे टकराती है, वो भी एक रीजन होता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर में, चाहे आप धूप में जाओ तब अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सपोजर से होंठ फट सकते हैं, राइट, या तो ज़्यादा ठंड का मौसम होता है तब जो होंठ है उससे पानी बाहर चला जाता है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी हो सकती है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मतलब कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन, विटामिन में बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन, स्पेशली विटामिन B2, B3 और B12, इनकी कमी से, आयरन की कमी से और जिंक की कमी से भी होंठ फटते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर तो ये है कि गलत तरह के प्रोडक्ट यूज करने से, बहुत सारे लिप बाम ऐसे आते हैं जिसमें ऐसी चीज़ें रहती हैं जिससे एलर्जी या इरिटेशन हो सकता है, या दूसरे भी क्रीम पाउडर वगैरह लोग लगाते हैं अगर वो लगता है तो उससे भी ये, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं, स्पेशली एक आइसोट्रिटिनोइन करके दवाई है, कुछ एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट हैं, कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है। ये सारे कारण होते हैं जिससे होंठ फटता है, पर ज़्यादातर केसेस में जो होंठ फटने का रीज़न है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो अब इसके लिए हमें क्या किया जाए, क्या बचाव के तरीके होते हैं, तो सबसे पहले जिसका ज़्यादा होंठ फटता है उसको पानी पीना है। पानी पीने से ही 50% आराम मिल जाता है, क्योंकि आपके होंठों में ज़्यादा उसमें हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी तो ऑलरेडी जो फटने की प्रॉब्लम है, क्रैक की प्रॉब्लम है, वो कम हो जाएगी। दूसरा चीज़ जो आपको करना है कि इसमें थूक लगा के, सलाइवा लगा के चबाना नहीं। बहुत सारे लोग जिनका होंठ फटता रहता है वो नाखून से भी खींचते रहते हैं जो स्केलिंग है, और उसमें होंठ पे सलाइवा लगा के उसको भी खींचते रहते हैं। इसके अलावा जब भी आप बाहर जाएं, राइट, चाहे ठंड का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, दोनों मौसम में चेहरे को ढक के जाएं या तो लिप बाम लगा के जाएं, राइट। आपने कभी ऐसा ध्यान दिया होगा कि जो स्पेशली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, उसका भी ध्यान दिया होगा कि वो चेहरे के अलावा भी होंठों पे भी लगाते हैं, लिप बाम लगाते हैं जिंक ऑक्साइड वाला, राइट, जिसका SPF थोड़ा ज़्यादा हो, 50-60 हो, वो इसीलिए कि अल्ट्रावायलेट रेज भी लिप को डैमेज करती हैं। जब भी बाहर जाएंगे धूप में तो अच्छा SPF वाला लिप बाम लगाना है, और ठंड के मौसम में भी जाएंगे तो पेट्रोलियम जेली वाला जो लिप बाम होता है वो सबसे बेस्ट होता है। मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के कलर वाले होंगे, खुशबू वाले होंगे, कुछ सूट करते हैं पर कुछ में इरिटेशन होता है, कुछ में एलर्जिक रिएक्शन होती है। जितने भी लिप बाम आते हैं उसमें पेट्रोलियम जेली सबसे बेस्ट है, जो कि मॉइस्चर को होल्ड करती है, हाइड्रेशन को होल्ड करती है, रोकती है कि आपके लिप का जो वाटर है वो एनवायरनमेंट में ना जाए। तो जितने खुशबू वाले हैं ऐसे जिनमें सैलिसिलिक एसिड होता है या मिंथाल होता है या कैम्फर होता है, राइट, इस तरह वाले ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ज़्यादा डेंजरस होते हैं, उससे और फटने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादातर कोशिश ये करें कि नाक से सांस लें, मुंह से कम सांस लेने की कोशिश करें। तो ये 3-4 तरीके हो गए। इसके अलावा बात करते हैं थोड़ी लिप बाम पे, तो लिप बाम लेने से अच्छा है कि पहले आप कुछ घरेलू तरीके हैं उसको अपना के आप देख सकते हैं, जैसे कि देसी घी आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा इमोलियंट की तरह काम करता है, या कोकोनट ऑयल है वो बहुत अच्छे से काम करता है, या एलोवेरा जेल है उसको लगा सकते हैं, हनी को लगा सकते हैं, राइट, या दूसरे भी मिनरल्स ऑयल आप लगा के ट्राई कर सकते हैं कि आपके लिप को कितना इनसे प्रोटेक्शन मिलता है। लिप बाम सबसे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, और लिप बाम जब भी चुनाव करना है तो पेट्रोलियम जेली वाला हो, सबसे बेहतर वही रहता है। तो ये कुछ तरीके अपनाएंगे तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा जिनके हल्की हल्की स्केलिंग रहती है वो चाहे तो नेचुरल एक्सफोलिएटर होते हैं, जैसे कि शक्कर है, हनी का मिक्सचर लगा के आप एक्सफोलिएट भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हल्के से करना है, ज़्यादा एक्सफोलिएशन करने से ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो वो भी तरीका अपना सकते हैं। ये करने के बावजूद भी अगर ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है तो आपको मल्टी विटामिन लेने हैं, जिसमें विटामिन B2, B3 हो, आयरन हो और जिंक हो,
ये सप्लीमेंटेशन से भी काफ़ी लोगों को आराम मिलता है, स्पेशली अगर विटामिन की डिफिशियंसी है, उस केसेस में पानी पीने से या चेहरे को ढकने से या लिप बाम लगाने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता, स्पेशली अगर जो क्रैक है वो साइड में हो रहा है, एंगल ऑफ माउथ पे हो रहा है, उस केसेस में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और कुछ केसेस में ये सब करने के बावजूद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर जांचें करानी है कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो जिन जिन लोगों के होंठ फट रहे हैं उनको सबसे पहले तो यही काम करना है कि पानी पीना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, होंठ है उस पर सलाइवा लगा के चूसना चाटना या खींचना नहीं है, और कोई भी घर में देसी घी या एलोवेरा जेल हो कोकोनट ऑयल हो उसको लगा के रखेंगे तो काफ़ी सारे लोगों को आराम मिल जाएगा। जो लिप बाम है वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, राइट। तो आई थिंक कि फटे होंठों का क्या इलाज होता है घरेलू, इसको आप आजमा के देखिए, इससे आराम मिलेगा ऐसी मुझे उम्मीद है। थैंक